हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। तो मैं राजस्थान गया था, जहाँ पे मैंने एक शादी अटेंड करी थी। तो वहाँ पे मैं एक एस्पिरेंट, कैसे एस्पिरेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो मैं उससे मिला। तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आप रिव्यूज़ कर सकते हो या इंटरव्यू तो नहीं कह सकते क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबे लंबे होते हैं जिसमें वो अपनी पूरी बातें पूछते हैं, पर मैंने उसमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछा है जो मेरे मन में थे। तो उन्होंने मेरे को जो जवाब दिए हैं, मेरे क्वेश्चंस के जो जवाब दिए हैं, तो वो इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम देवेंद्र कुमार मीणा है। मैंने इस बार सीजीएल 2023 के थ्रू एग्जाम क्लियर करके और मेरे को इस बार इंस्पेक्टर, कस्टम एंड एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। और आप पूछिए। तो भाई सबसे पहले तो भाई कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? मैंने 1 साल की कंप्लीट प्रिपरेशन, सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। 22 से मेरे को शॉर्टिंग असिस्टेंट गुजरात में पोस्टेड हूँ मैं अभी करंटली, तो वहाँ पर मिली थी। और अभी ये सेकंड अटेम्प्ट मेरा ये था, इसमें मेरे को इंस्पेक्टर मिला है। अच्छा, तो गुजरात में मिला है तुम्हें, तो हाँ, मतलब अगली गुजरात बार भी शॉर्टिंग एग्जाम दोगे असिस्टेंट। आप होम सिटी के लिए? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। अब ये वाला अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट इसीलिए है बस। और कितने आर पढ़ते थे फिर तुम? मैं आप रेगुलरली कह लीजिए 5, तो अराउंड 5 के अराउंड, कभी 4 भी, कभी 6 भी, पर 5 तो है ही। शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल अपना स्टार्टिंग में सुबह करंट अफेयर्स या अखबार देख लिया कुछ, फिर उसके बाद मैथ्स, 2 घंटे मैथ्स करो। ठीक है। और रीजनिंग फिर वगैरह कैसे पढ़ी? रीजनिंग, एक्चुअली मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ तो रीजनिंग का मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि अच्छा, वीक है। बाकी मैथ्स करना तो ज़रूरी और है। मैं इंग्लिश? इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की बुक देखी थी स्टार्टिंग में, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 वाली, फिर वो देखी। उसके बाद तो पेपर्स के थ्रू ही बस। अच्छा, तो मतलब वीक सब्जेक्ट क्या थे फिर आपके पास, थे भी कि नहीं थे? प्रिपरेशन नहीं, सब ये होते हैं। बाकी देखिए, जीएस तो सबका है, पर जीएस शायद मेरे लिए उतना नहीं है। अच्छा, मेरे इस बार 44-40 के अराउंड मार्क्स थे, तो एवरेज 32 था इस बार मेंस का, तो मतलब मेरे एवरेज से अबव थे, तो ठीक थे मार्क्स मेरे जीएस में। बाकी मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी। और कहाँ से पढ़े थे, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग क्या? देखिए, कोचिंग तो मैंने ली नहीं। मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक है, वो ठीक। ब्रह्मास्त्र वही है, जिसने कर लिया वही है। उसके अलावा इंग्लिश की आपको बता दी। जीएस तो मैं यूट्यूब से करता था। जीएस के लिए ऐसे कोई एक सोर्स तो था नहीं। चैनल्स हैं काफ़ी सारे, आपको पता है, साथ सबको पता है, आजकल यूट्यूब पर सब फ्री है, तो वहाँ से देख सकते हैं सब। तो इतनी जल्दी मतलब क्रैक कैसे, क्या मतलब क्या बेनिफिट्स थे आपके पहले, मतलब पहले कुछ बैकग्राउंड हुआ ऐसा कुछ, या टॉपर थे क्या? टॉपर तो नहीं था क्लास में, पर हाँ, बीटेक फ़ायदा करते हैं, आपको पता है, मैथ्स रीजनिंग बीटेक इसके मिली भी अलावा तो सब। पढ़ने वाले बच्चों को ही ना। बीटेक में सब सबको पढ़ाती है। बीटेक जो नहीं पढ़ता वो पास ही नहीं होता। और गाइडेंस कहाँ से मिली? गाइडेंस तो भैया हैं दो, एक हैं जो कॉलोनी में पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, अच्छा, बाकी वो हैं, बाकी मेरे भी हैं जॉब्स में भैया वगैरह, तो उनके थ्रू बताते रहते हैं क्या क्या करना है, तो और वो कर जर्नी लेते हैं। कैसी रही? जर्नी मैंने तो, मेरा तो सेकेंड ईयर अटेम्प्ट है, तो ऐसा कुछ था नहीं स्ट्रेस वाला। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉर्टिंग असिस्टेंट में बता रहा हूँ मिल गया था, तो ऐसा बर्डन नहीं था कि नहीं लगेगा तो कुछ होगा नहीं, और क्योंकि घर था वालों ये का तो अभी तक। रिएक्शन? ये एक्शन तो आपको पता है, नॉर्मली रहता है, ऐसा कुछ तो था नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ, याद हो, सब नॉर्मल था अपना। हो गया, खुश हैं घर वाले, सारे ही खुश हैं। और आप नहीं हो मतलब? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब इसके बाद लास्ट अटेम्प्ट और है, एक और देंगे लास्ट अटेम्प्ट बस, इसके बाद नहीं दूंगा। अगर होम स्टेट मिलता है तो ठीक है, वरना कोई नहीं, इतना बहुत है। तो मतलब ये नहीं सोचा कि यूपीएससी दूंगा? यूपीएससी के एक बार जाएंगे, वहीं जाके सोचेंगे। अभी सोचते तो सब है, पर होए जब, तो वहाँ क्यों? जाके एक बार स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, अगर फॉलो हुआ तो कर सकते हैं, वरना देखेंगे बाद में। हाँ, तो दोस्तों देखो, मेरे सवालों के जवाब तो मुझे मिल चुके हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, और इसके जवाब मैं, अगर ज़्यादा कम कुछ कम वो हुए कमेंट्स हुए, तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो एक और बना दूंगा। जब भी वो भाई दिल्ली आएगा या फिर मैं राजस्थान जाऊंगा जब, और पहली बार फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी इच्छा है तो, कोई फोर्सफुली नहीं है। तो बस वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।